अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह शहरी से स्टार्ट कर दिया था, तो आज शहरी में मैं जा रही हूँ पराठे बनाने आलू के। तो आज शहरी में सबको खिलाऊंगी आलू के पराठे। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम भी कम रह गया है, तो उठ नहीं पाए थे। तो जल्दी जल्दी में बस बनाते हैं और खाते खाते आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया था भरता, और मैं बेल रही थी, और रवीना मेरी सिस्टर जो है वो मेरे साथ हेल्प करा रही थी मुझे पराठे बनाने में। जल्दी जल्दी बनाते हैं फिर। तैयार हो गए मेरे पराठे, और मेरी पीछ वाली बहन बना रही है चाय। तो देखिए तैयार है हमारे आलू के पराठे और चाय। पराठे बन के तैयार हो गए हैं, बस हम लोग बस खाने के लिए बैठ रहे हैं क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। आज हम लोग थोड़ा लेट से भी उठे थे, उसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट बना लिए और बस खाने पिए बैठ गए। मोबाइल सब लोग उन्हें सैरी करना स्टार्ट कर दिए। मच्छर बहुत लगते हैं। कैसे बने पराठे? जैसा कि आप सब जानते हैं, आलू पराठे बेहद सबको पसंद है, वालों को तो बहुत पसंद है। आलू पराठे बहुत अच्छे मिले क्योंकि सारे रवीना ने बनाया था। रवीना ने उठते उठते मेरे तारीफ कर दी जो है। सारे रवीना हमने ही बनाए, सारे रवीना ही नहीं बनाए, इतना सारा क्रेडिट रवीना अपने आप को दे रही है। आज हम उठे हैं पहली बार शहरी में और पराठे शुरू कर रहे हैं। और देखिए आपको दिख रहा होगा सोफे पे कितने आराम से सो रही है ये, और ये आके सोफे पे ही लेटती हैं। हाँ टाइम हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैरी कर ली है, और बस नमाज अज़ान का वक्त हो गया है, और बस हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बाद में मिलते हैं क्योंकि अभी सुबह रहान को स्कूल भी जाना है। तो फ्रेंड्स 7 बज के आए, अब चलते हैं रहान को उठाने। रहान को उठा के उनको फ्रेश कराते हैं, नहलाते धोते हैं, फिर इनको स्कूल भेजते हैं। तो अरहान के लिए भी मैं जा रही हूँ पराठा बनाने के लिए। अरहान को नाश्ते में दूंगी आलू का पराठा। हमारी ये देखिए चिंकी, अभी देखा होगा पहले सो रही थी, अभी अभी दूसरी तरफ आ गई है, यहाँ सो रही है। अब कितने आराम से ये सो रही हैं। चिंकू 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 उठिए, टुंकू टुंकू उठ ही नहीं रही है। उठो उठो, अरे भाई अंगड़ाई आ गई। चलो अरहान जल्दी से नाश्ते करो, तैयार हो बाबू। रान दूध पी के बस स्कूल जा रहे, तैयार हो गए, दूध पी रहे हैं। आराम से पियो, देखिए मुझे बनी नहीं। पी लिया दूध, पी लिया है तो अभी स्कूल जा रहे हैं अरहान। तो चलो बाहर तक छोड़ते हैं अरहान को। तो ठीक है जा रहे, बाय अरहान, अल्लाह हाफिज़। अरहान चले गए हैं अपने स्कूल और हम भी आ गए अंदर। तो अब थोड़ा काम ख़त्म करके चलते हैं थोड़ा सा आराम करने, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपको दोपहर में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आराम करने के बाद तो अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं इफ्तारी की। फ्रेंड्स 14 रोज़े हो गए हैं, तो आज मंझला रोज़ा है, तो उसको मंझला रोज़ा बोलते हैं ज़्यादा करके। तो सबसे पहले मैं काटने जा रही हूँ पालक, तो बनाऊँगी पालक की आज पकौड़ी। पालक हमारी कट चुकी है, तो अब इसके बाद काटेंगे हम प्याज 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 और आज बनाएंगे प्याज की पकौड़ी और पालक की पकौड़ी इफ्तारी में। और साथ में हम लोग काटेंगे मिर्ची और टमाटर, तो ये यूज़ में आएंगे हमारे चने बनाने के और पकौड़ी बनाने के। और हम बेसन फेंट रहे हैं पकौड़ी प्याज की बनाने के लिए। सब पकौड़ी सबसे पहले बनेंगी प्याज की, फिर बनेंगी पालक की। और देखिए आपको सीटी सुनाई दे रही होगी ना, चने मेरे उधर पक रहे हैं, सब काम पे लगे हुए। फटाफट तैयारी हो जाती है इफ्तारी की, सब लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। चलो कढ़ाई रखते हैं पकने के लिए, जल्दी जल्दी पकौड़ी बना रहे हैं।
गोल गोल बनाओ, गोल गोल बनाओ। अच्छा, प्याज की पकौड़ी गोल नहीं होती है? होती है गोल, प्याज वाली में कोई शेप नहीं होती। ऐसा नहीं है, होता है। खाली बेसन की जब बनती है फुल्की 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 तब होता है, गोल होता है। पकौड़ी बनाने के बाद बनाने जा रहे हैं अंबिया की खट्टी मीठी चटनी, तो पीसेंगे हम चटनी। प्याज की पकौड़ी और ये पालक की पकौड़ी तैयार हो गई है, तो अब अवतारी रखते हैं सब। लोग हम लोग बैठ गए हैं दस्तखान पे रोज़ा खोलने के लिए, तो आसान होने वाली है, बस दुआ करेंगे और रोज़ा खोलेंगे। गुस्से में है ना, अनार गुस्सा गए। रोज़ा अफ्तार हो गया है और नमाज भी पढ़ ली है, तो बस आज का पूरा दिन का यही रूटीन था मंझे रोजे का। तो आप लोग भी बताइएगा, और आप लोग बताइएगा शॉपिंग आप लोग की कैसे चली है, ईद की शॉपिंग हो गई है या अभी नहीं बस चल रही है? मेरी तो देखिए हो गया, फिर आन के बस शुरुआत की है मैंने, तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।